तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को आज मैंने नोएडा बिल्कुल क्लियर करके दिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है मेरे प्यारे दोस्तों। और अभी मैं चल रहा हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर, जो कि मुझे जाना है गाजियाबाद के लिए गए। तो ऐसे ही ब्लॉग तो देखो केपी संत के चैनल पर आते रहते हैं और आप लोगों को इंटरटेन करता रहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ, आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे मेरे चैनल पर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो, ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत को फॉलो करो गाइस, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों को मिलता हूँ और फेसबुक पर भी, मैं फेसबुक पेज भी है मेरा केपी संत के नाम से। तो आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही ब्लॉग से आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और मैं लाता रहूँगा और आप लोगों को इंटरटेन करता रहूँगा। और आप लोगों को आने वाले टाइम में आप लोगों को क्वालिटी भी मैं ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी बहुत बेहतर, तभी आपको पता चलेगा। आज आपको गाइस मैंने आधा नोएडा दिखाने की कोशिश की है, आधा नोएडा तो आप लोगों ने देख ही लिया, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को धीरे धीरे पूरा नोएडा दिखा दूंगा, रोड्स भी दिखा दूंगा आपको, बता दूंगा कि कौन सी रोड्स कहाँ जाकर निकलती है, वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं सेक्टर 59 नोएडा मेट्रो स्टेशन, यह सेक्टर 59 का मेट्रो स्टेशन गाइस, क्योंकि पहले यहाँ पर मेट्रो नहीं थी, कुछ साल पहले ही ये मेट्रो आई है। तो करीब ये शायद मेरे हिसाब से ये 19 में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद में लॉकडाउन लग गया था, तभी ये रूट बना था। तो तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था गाइस, कि ब्लॉग चैनल तो मैंने सन 2018 के लास्ट में बनाया है, 18 में ये शायद बन के स्टार्ट हो गई थी, हाँ 18 में बन गई थी, 18 में स्टार्ट हो गई थी। तो 18 के लास्ट में मैंने ये ब्लॉग चैनल बनाया था, 19 हाँ 18 में बनाया था। तो तब इतना अनुभव नहीं था मेरे को, पता भी नहीं था, और फिर ब्लॉग बनाने में डरता भी था, इस वजह से मैं नहीं बनाता था। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोग भी पसंद करने लगे हो। जब आप लोग पसंद करते हो, कमेंट करके हमें बताते हो, तो और भी यही मन करता है काम करने का, वीडियो बनाने का। ये सेक्टर 64 दिखा रहा है लेफ्ट में, सॉरी राइट में, सेक्टर 64 राइट में है और लेफ्ट में है सेक्टर 62। तो देखिए सेक्टर 62 का ये मेट्रो स्टेशन आ चुका है, आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा गाइस। देख सकते हैं ये आ चुका है सेक्टर 62 का मेट्रो स्टेशन, नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया। ये देख सकते हैं सेक्टर 62 नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया। और आपको बता दूं गाइस के जो सेक्टर 62 का मेट्रो स्टेशन है, उसी के सामने है ये फोर्टिस हॉस्पिटल, इसका भी ब्लॉग पड़ा हुआ है, आप लोग चैनल पर जाकर विजिट करो और देखो नोएडा फोर्टिस का ब्लॉग। तो बिल्कुल हम सीधे सीधे चलेंगे और NH24 आ जाएगा, और आपको कुछ दिनों के बाद में क्वालिटी भी देखने के लिए मिलेगा और ब्लॉग भी बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे आने वाले टाइम में गाइस। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं आप लोगों के बीच में। तो आप लोग चैनल को, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, देख रहे हो हमारे वीडियोस को,
तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन बजा दो, ताकि मैं जो भी कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। और आप लोग देख के लाइक करो और हमें कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आपके समझ में इंफॉर्मेशन आई या नहीं आई, वो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। गाइस देख सकते हैं कि बिल्डिंग यहाँ की कितनी ऊंची ऊंची, ये नोएडा ग्रेटर नोएडा में देखने के लिए मिलेंगी। और आपको बता दूं कि गाइस पहले नोएडा आपको कवर करके दिखाते हैं और फिर मैं ग्रेटर नोएडा दिखाऊंगा, तो साथ साथ में चलते रहेंगे, लेकिन ग्रेटर नोएडा की कम वीडियो आएंगे, नोएडा की ज़्यादा आएंगी आप लोगों के बीच में देखने के लिए मिलेंगी। देख सकते हैं गाइस ये है बिल्डिंग, और यहाँ से NH20 बिल्कुल NH24 सामने ही है गाइस। और ये आ जाता है मेट्रो स्टेशन, ये मेट्रो स्टेशन का नाम है इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन। बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा इंदिरापुरम लेफ्ट में, दिल्ली लेफ्ट में, तो हमें बिल्कुल सीधा चलना है गाजियाबाद के लिए। तो देखिए ये अंडरपास आ चुका है यहाँ का, वो नोएडा का, सॉरी ये नोएडा का अंडरपास आ चुका है, क्योंकि पहले इस पर प्रिंटिंग नहीं थी। जब से ये योगी सरकार आई है तब से इस पर प्रिंटिंग बन रही है गाइस। देखिए इधर की खाली पड़ी हुई है लेफ्ट, जो कि पहले नहीं थी, और अभी भी राइट में नहीं है गाइस, क्योंकि इस पर वर्क चल रहा है प्रिंटिंग बनाने का। इधर भी बनाई जानी है, और इसमें लाइटें भी अभी लगेंगी, तो वो भी नहीं लगी हुई हैं। तो ये सामने वाला है इंदिरापुरम गाइस, ये सामने वाला इंदिरापुरम आ जाता है, और इसी के सामने है सिप्रा मॉल, उसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना चैनल पर जाकर। देखिए हम ये नोएडा क्रॉस करके और ये आपका आ चुके हैं NH24 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाइस, आप सभी का स्वागत है। देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि राइट में नोएडा रह जाता है, लेफ्ट में इंदिरापुरम है। और देखिए आपको बता दूं कि जो मेट्रो का ये पिलर बन चुका है नोएडा से और वैशाली मेट्रो स्टेशन तक, ये कनेक्ट कर दिया जाएगा कुछ दिनों की बात है, क्योंकि अभी वर्क नहीं चल रहा है पता नहीं क्यों, और जब इसमें वर्क चलना स्टार्ट हो जाएगा तब आप लोगों के बीच में केपी संत वीडियोस लेकर आएगा आप लोगों के बीच में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।